बच्चे ने बहुत बड़ा, मेरा बच्चा मतलब पुष्कर में, पुष्पक में बहुत बड़ी कविता बनी थी और एक उदाहरण दिया था कि इतना वजन, आप कल्पना करिए कि 2.5 क्विंटल का तो उनका वक्त जिरह बख्तर और वो भाला ये सब था और लगभग 110 किलो वजन स्वयं श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय महाराज प्रताप जी ने जो था और इतना वजन जयपुर के म्यूजियम में है रखा और हाथी के मस्तक पर टाप रख देता है, औहदा गिरा देता है, जरा कल्पना करिए वो चेतक रहा कैसा हो, सोचिए ये स्थिति और कितनी ताकत रही हो उस व्यक्ति में। मैं उस सेनापति का नाम भूल गया हूँ, अकबर के सेनापति का, जो इतना ज्यादा दीर्घ और वाला और इतना वजन शरीर पर रखता था कि उसे देखकर ही बहुत से सैनिक धराशायी हो जाते थे। और महाराणा प्रताप के सामने जब पड़ गया एक बार, तो एक ही तलवार के बाद से मैं कवच कुंडल के नीचे तक चीर दिया। तब वो सेनापति थी कि जो इतनी ताकत रखता है तो एक को भी नहीं छोड़ेगा। घर घर में बलिदान हुए हैं, क्योंकि जातिवाद नहीं था उस समय, ये रोग नहीं था, ये कोड नहीं था उस समय दोस्तों। लेकिन एक व्यक्ति का नाम मैं लेना चाहता हूं कि अगर उस समय भामाशाह नहीं होता तो सेना की पुनर्स्थापना भी नहीं होती। आप सोचिए उस जमाने में भामाशाह था और आज हमारे बैंक मिलकर के किस तरह के भामाशाह पैदा कर रहे हैं। लेकिन कष्ट यही होता है कि बेईमानी की शुरुआत जब करते हैं इतने बेसर में वो सवाल पूछते हैं। अब मैंने किसी दल का तो नाम नहीं लिया, मैं ले भी नहीं सकता क्योंकि मैं दलों से थोड़ा सा अलग हूं, राजनीति में हूं, ये मेरा गौरव है कि हम जैसे लोग भी होने चाहिए, लेकिन मैं दलों से अलग हूं। समझ लीजिए, बेईमान से चाहे कोई हो, चारे खाने वाला या पजीरी खाने वाला, समान व्यवहार होना चाहिए। चारा खाने वाला 3 बार जेल काटे और पजीरी खाने वाला राज्यसभा की तैयारी कर रहा हो, ये निडर स्वीकार नहीं करेगा दोस्तों। समझ लीजिए बात को, और अगर जैसे ही बनेंगे लोग तो ये बात खुलेगी तो सही। आप याद रखना कि मैं इशारा करके गया था, पढ़ो भैया स्वागत। 15 मिनट बाकी है मेरी घड़ी में और 15 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है? ठीक है। और मुझे इसकी भी चिंता नहीं है, कम सम्मेलन तो सफल हो गए, अब मैं तो उस पर थोड़ा सा रंग रोगन करने की प्रयास कर रहा हूँ। हिमात सिंह वाहिनी में द्वार पर खड़ा हूँ, केले का मीठा निभाऊं घर में ऐसा भर रहा हूँ। जो नए लोग हैं जो मुझे बुलाते हैं सोचते हैं दादा दहाड़ेगा, बहुत जोर लगाएगा, लेकिन जब वो देखते हैं कम वक्त न तो एक घंटा में ताली मारता है, जोर भी नहीं लगाता, आराम से पढ़ता है और फिर भी तालियां बहुत बजती हैं, आखिर रोग क्या है? कई हास्य कवियों की पत्नियां फोन करके पूछती है दादा आज के जमाने में भी, क्योंकि यहाँ तो कल हर किसी पंक्ति पे कहता है ताली बजाओ और हाथ ऊपर खाकर बजाओ और 3 मिनट तक बजाओ और उसका घनघोर समुद्र उठाओ, कोई तो कहता है तालियों का ब्रह्मांड पैदा करो। क्या तो भाई क्या मतलब है इसका? अच्छा निराला तो बहुत रोते होंगे सुनकर के, वो भी कभी सम्मेलन में जाते थे ऐसा नहीं था, एक भी ताली नहीं बजती थी, 3-3 घंटे कविता पढ़ते थे और जब श्रोता ये पूछता था कि 3 घंटे क्यों पढ़ा ताली नहीं बजी, तो कहते थे राम कुमार शुक्ल जैसा व्यक्ति जब मेरे सामने खड़ा है बैठा है सुनने के लिए तो 3 वचन पढ़ सकता हूँ। क्या सोचिए ये भी कभी समझ लगते सुने जी स्वामी कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पर खड़ा हूँ तेरे कविता निभाऊं घर में ऐसा भर दान दान दे तू बुद्धे अवे विक सावधान रहे भूल से भी करो तू मिटा अभिमान दे मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े मेरे जैसे पापी मूर्खों को मैया ज्ञान दे और ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी विकास के पै वक्त पर नहीं पैरियों से युद्ध खान दे।
और प्रार्थना की चार पंक्तियां हो कि तेरा हर रूप अनूप मन भावन है किंतु प्रभिया प्रचंड रूप धारण है करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार है हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख पुंज क्रांति का नंगी तलवार ले और पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। और दोस्तों एक ऐसे बिंदु पर पढ़ रहा हूँ उसका लिए जिसकी कल्पना नहीं हो गया कि उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा। अब तो कई लोग लिखते हैं 6 साल पहले घटना की थी इस देश में, मारकाट की नहीं थी, भाषा की विद्रूपता की। मैंने उसी दिन इस पर चोट की, लोगों ने बहुत मुझे शिष्टाचार किया है, जिसे अंग्रेजी में प्रोटोकॉल कहते हैं। मैंने कहा शिष्ट के लिए शिष्टाचार होता है, अशिष्ट के लिए कोई शिष्टाचार नहीं। जो देश की इज्जत नहीं कर सकते उनकी इज्जत अगर करेंगे तो पाप होगा, ध्यान रखना। कि उपराष्ट्रपति यहां भी मैं नाम लेते हो तो मैं नाम नहीं लेता, यही मेरी ईश्वर कृपा है। उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आपका है जिन्ना वाली भाषा बोलने लगी। उन्होंने एक ऐसा ही वाक्य बोला, ऐसा ही भाषण दिया, 10 मिनट और रुकते या बहुत जरूरी हो तो जा सकते, विश्वास करिए जा सकते, बिल्कुल लिहाज न करें। उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आपका है जिन्ना वाली भाषा बोलने लगे। क्यों? कि अल्पमत सबसे अधिक सुखी भारत में, सुखी से भी ज्यादा सुखी, चरम सीमा की बदतमीजी करने के बाद भी संसद में बैठ जाता है। समझ लो कि उपराष्ट्रपति जी भी उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी, उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आपका है जिन्ना वाली भाषा बोलने लगी। अल्पमत सबसे अधिक सुखी भारत में, बदलाव रस में कविश भूलने लगे, शिशुपाल बनने की कोशिश करो नमित जाने कब कान्हा जी का चक्र ढोलने लगे। और आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या हो जाएगा हमारा भी खून खौलने लगे। आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। और एक बात मैंने कही है दोस्तों पिछले दिनों में, उसे समझने का प्रयास करना। मैं तमाम पत्रकारों से, तमाम चैनलों से बहुत नाराज हूँ, बड़े बड़े व्याख्याकारों से नाराज हूँ। और सौभाग्य केवल उनका यह है कि जिस दिन मैं किसी बहस में बैठ जाऊंगा तो कुछ मुद्दों की बहस समाप्त हो जाएगी। दुर्भाग्य यह है कि यहाँ पर जो बैठे दलों के प्रतिनिधि या जिनको क्या कहते हैं प्रवक्ता, वो अध्ययन नहीं करते, तो इसलिए अधकचरे लोग भी कुछ भाषण दे जाते हैं। अब मेरे सामने कोई कहे कि हमारे संस्कार तो अहिंसक है, हमने तो हिंसा की नहीं है कभी, तो वो 700 साधु 1966 में किसने मरवा दिए थे दिल्ली में गोरक्षा आंदोलन करते हुए, एक दो नहीं 700। मैं 1966 के जून का उदाहरण दे रहा हूँ। अब इतना ज्ञान तो रखना पड़ेगा देश चलाने के लिए कि नहीं रखना पड़ेगा, क्यों सर? ये स्थितियाँ हैं। और मैंने एक बहुत गहरी बात कह दिया, ध्यान रखना पंजीरी का, जरा छोटा मोटा कांड नहीं है दोस्त। हाँ, और उत्तर प्रदेश का ही है ये है, सुनना जो पंक्ति पढ़ने जा रहा के पर आगे बोलने से पहले पर किराम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। और दोस्तों एक पहली पर कि कल तक जिनके विरोध में की राजनीति, आज उनसे ही मित्रता का बांधने लगे। अब लोग पूछते दादा ऐसा भी लिखते हैं, हम क्या करें, कलम की मजबूरी है, हम थोड़ी लिखते हैं, क्यों सर? ये राजनीति में कहां कहा गया है कि सच भी बोले, सच तो बोलेंगे है नहीं, लेकिन यशवंत सिन्हा जी की तरह नहीं बोलेंगे।
है? अरे समझ लो बस बात को गहराई में, इसका लतक जिनके विरोध में की राजनीति, आज उनसे ही मित्रता को गांठने लगे। और ये पंक्ति समझना दोस्तों, कि सेकुलर का है अर्थ निष्पक्ष शासन, सेकुलर का धर्मनिरपेक्ष का नहीं। कोई व्यक्ति भी अपना धर्म छोड़ेगा, हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो निष्पक्ष शासन है सेकुलर का, बहुत पुरानी परंपरा है। किसका लतक जिनके विरोध में की राजनीति, आज उनसे ही मित्रता का बांटने लगे। सेकुलर का है अर्थ निष्पक्ष शासन तो, आप काहे सिर्फ हिंदुओं को बांटने लगे। जिसे देखो यही जोर करना, सेकुलर का है अर्थ निष्पक्ष शासन तो, आप काहे सिर्फ हिंदुओं को बांटने लगे। सत्ता सुंदरी के लिए इतने गिरे हैं आप, सत्ता सुंदरी के लिए इतने गिरे हैं आप, सच्चे देश भक्तों का ही गला काटने लगे। बेच दिया स्वाभिमान, जेपी लोहिया किया त्याग, बार बालाओं के पैर चाटने लगे। बेच दिया स्वाभिमान, जेपी लोहिया किया त्याग, बार बालाओं के पैर चाटने लगे। और दोस्तों एक छोटी सी बात, कि मुंबई के कांड पे गिराया नहीं एक आंसू। देखिए अजीब कहानी, एक घटना पर 200 चैनल बन गए जरा सी, और बड़े कांड हो जाए तो दबा दी जाए। कि मुंबई के कांड पे गिराया नहीं एक आंसू, पेशावर कांड पे विलाप करने लगे। क्यों है? और भारतीय सैनिकों के कत्ल पे करा नहीं, सकोले मरे तो संत जाप करने लगे। क्या सकोले? भारतीय सैनिकों के कत्ल पे कराह नहीं, सकोले मरे तो संत जाप करने लगे। और अगली बात दोस्तों, सकोले मरे तो संत जाप करने लगे, उनके ही दामादों ने मारा है उन्हीं को या, उनके ही दामादों ने मारा है उन्हीं को या, बोलिएगा काहे दुख आप करने लगे। पर हिंद के निवासी होके कैसी बेहूदगी है, बिन अपराध पश्चाताप करने लगे। हिंद के निवासी होके कैसी बेहूदगी है, बिन अपराध पश्चाताप करने लगे। और चार पंक्ति, मुझे ये ज्ञान नहीं था 30 साल तक कब घनाक्षर लिखता, मुझे समय नहीं मिला परिभाषा याद करने का, तो मैं चार पंक्ति बोल पाऊ सर। ये मेरी मजबूरी है, बाध्यता है, क्योंकि तो मैं जानता अगर परिभाषा तो घनाक्षर ही कहता, अब ये परिभाषा पढ़ने का अवसर नहीं मिला, अब मैं पढ़ नहीं सकता, ये बिगड़ गया बिगड़ गया, इसलिए पढ़ रहा हूँ चार पंक्तियां दोस्तों। कि 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर, कितने 100, और जरा सा कोई बोल जाए तो उसी पर तुरंत बयान आ जाता है गेहूं का। और कितने पर मौत, 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर, सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। क्यों साहब? 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर, सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। चरारे शरीफ जैसे धर्म स्थल जले जब, चरा पूरी मस्जिद जलाई, कोई बोला ही नहीं देश में। सुना आपने किस्सा? बोले ही नहीं लोग, ये इतनी बेईमानी। चरारे शरीफ जैसे धर्म स्थल जले जब, ठेकेदार दीन के भी नाम रहे हुए। चरारे शरीफ जैसे धर्म स्थल जले जब, ठेकेदार दीन के भी नाम रहे हो गए। सड़कों पे सरे हम काटने वाले सिखों को, सड़कों पे सरे हम काटने वाले सिखों को, सारे गुंडे और मवाली सीधे साधे हो गए। और एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया गया, कुछ राम जादे भी हराम जादे हो गए। एक साधवी ने थोड़ा सच कहा, मेरे बराबर नहीं कहा, एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया गया, कुछ राम जादे भी हराम जादे हो गए। और दोस्तों ये चार पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं जी स्वामी, और जान बूझ के मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि जान बूझ कर लोग आज तक कुछ बातें उभारते हैं, तो मैं जान बूझ करके पढ़ता है। क्योंकि इस देश का दुर्भाग्य है
बछड़ा और गाय काटने वाले को मरने पर 45 लाख, क्यों? और 60 पैसे पर जब चले गोधरा में तो 60 पैसे नहीं। इसको मुझे कैसे मत जोड़ना, ये संविधान का सरासर उल्लंघन है। अगर किसी की हत्या करने पर 45 लाख मिलते हैं तो उनकी भी हत्या की गई थी, वो कोई जौहर व्रत करने नहीं गए थे। ध्यान रखना जीवन में ये स्थितियां, लोग बोले न बोले, मैं कैसे भूल गया, इसलिए पढ़ रहा हूं दोस्तों, सुनना। और फिर भी याद दिलाते हैं कि 2002 के दंगे आपने ही भूलेंगे। आपको याद होगा मेरे यहां मंत्री था, अभी है, बहुत बोलता है, ये प्रकरण लोग दबे नहीं देता। मुझे भी खुशी होती है, चलो एक हाथ को है एक था, वो भी ठीक हो गया। कि 2002 के दंगे आपने ही भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल गए, 2002 के दंगे आपने ही भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाए हैं, एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाए हैं। हाँ, बहुत याद मत करो, लंबा पड़ जाएगा। लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाए हैं, वीरवर महाराणा का वनों में निवास, ये प्रतीक है। अकेले अंग्रेजी कालखंड में 3,30,00,000 लोग बने हुए, समझ। उसमें ऐसे बच्चे थे जो पता नहीं था कि मां लड़ने जा रही है या आखिर करने जा रही है, ऐसे छोटे बच्चे का बना हुए। और 84 वर्ष का राव कुमार सिंह मगध में बन रहा है, आप अंदाज समझना, उम्र की सीमा नहीं थी बंधन है। इसलिए सुनना इस बात को, जरा मैं पढ़ने जा रहा हूं कि 2002 के दंगे आप याद रखेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाए हैं, और 1 बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाए हैं, वीरवर महाराणा का वनों में निवास और घास वाली रोटी खाना कैसे भूल जाए हम, और जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाए, जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाए हम। मैंने तर्क दिया है दोस्तों, मेरा तर्क सही हो तो मुझे सहयोग करना कि थोड़े से दंगाइयों के मरने पे हार जाऊंगा, जिनके डीएनए में दंगा करना है और वो अगर मर गए तो खुशी मनानी चाहिए या आंसू बहाने चाहिए। पर इतना ही मैं इसमें टिप्पणी कर रहा हूं कि थोड़े से दंगाइयों के मरने पे हार जाऊंगा, 47 का नजारा कैसे भूल गया। तो सर थोड़े से दंगाई आंसू आ गए, और 47 में क्या हुआ था, वो 10 लाख लोग क्यों लाशें आई थी हिंदुस्तान में, उनका दोषी कौन था, अब इसमें जाना नहीं चाहिए। बच्चा टिप्पणी कर गया, उससे ज्यादा कौन जानेगा, मैं तो राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर रहा 42 वर्ष, आज भी मैं PhD गाइड हूं, तो मुझसे ज्यादा कौन जानेगा, कितनी भी लिख लू पूरा इतिहास नहीं लिखा है दोस्तों। कि थोड़े से दंगाइयों के मरने पे हाय तो वाह, 47 का नजारा कैसे भूल गए यार, माता पिता के समक्ष बहन बेटियों की लाज, लूटते गुंडे आवारा कैसे भूल गए यार, मातृभूमि बटी थी तो देश के करोड़ों लोग, मातृभूमि बटी थी तो देश के करोड़ों लोग हो गए थे बेसहारा कैसे भूल गए यार, और हिंदुओं के देश में ही कश्मीरी हिंदू यार बेघर हुए दोबारा कैसे भूल गए यार। सवाल किया दादा, हिंदुओं का देश में तुम्हें कौन कह रहा है, ये तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, तुम चाह में छान रही कि देश में जो भी निवास करता है हिंदुस्तान में वो हिंदू है, पूजा चाहे किसी की करे, धार्मिक आ जाए, लेकिन निवासी हिंदू कह रहा है। तो मैंने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया है, अगर मैं गलती कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ याचिका दायर कर, क्यों सर, सही इतना अधिकार तो है लोगों,
तो ये है, अब इतना भी घबरा के सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसको क्यों लंघन करें दोस्तों। और चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं आपके सामने, मुझे कभी कभी चीजें याद आती है, कभी कभी रह जाती है, इसलिए पढ़ना चाहता हूं उस बात को। और मुझे बहुत प्रिय है वो कहानी जिसको मैं थोड़ा सा दोहरा रहा हूं, आपने बोला था और अब समय है मुझे बोलने का कि सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारी। मैं तो निदान बता रहा कि सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारी। क्यों कि रावण के पुतलों को मारने से क्या मिलेगा, भारत में बैठे हुए रावण को मारिए, रावण के पुत्रों को मारने से क्या मिलेगा, भारत में बैठे हुए रावण को मारिए। दिखावे के लिए मत भूलिएगा राम राम, दिखावे के लिए मत भूलिएगा राम राम, राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए, और राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम उतारिए, राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम उतारिए। और एक बात मुझे अचानक याद आ रही है दोस्तों कि मिटाना है देशद्रोह शासन के लोग सुने, कभी कभी कवियों से सलाह ले लिया जाए तो सुविधा है। मिटाना है देशद्रोह शासन के लोग सुने, पंचमांगियों को दंड मिलना ही चाहिए। अब लोग पूछते हैं आज 70 साल बाद के पंचमांगी कौन होता है, पंचमांगी दोस्तों वो होता है।